हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बूंदी खीर। जी हां, आज हम बूंदी खीर की रेसिपी लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। और ये एक ऐसी डिजर्ट है जो कि बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और खाने में तो पूछिए मत, इतनी टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए तो हमारे बहुत ही लाभदायक है ये बूंदी खीर की रेसिपी, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर भी मार दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी वाली रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना हेल्दी एंड टेस्टी देसी डिजर्ट बनाना। तो इस डिजर्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी हम बनाने वाले हैं आज मैदे से। वैसे तो आपने बूंदी रायता, बूंदी लड्डू बहुत खाए होंगे, वो वाली बूंदी बेसन की बनती है, पर ये वाली बूंदी खीर के लिए हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक बाउल, और बाउल में हम एक छोटी कटोरी मैदा ले लिए हैं, लगभग हमने एक कप मैदा लिया है। और एक कप मैदे में हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, और फिर हम उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल लेंगे, नॉर्मल पानी है, और फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम और पानी डालेंगे, लगभग आधा कटोरी, यानी कि एक कटोरी मैदे में हम डेढ़ कटोरी पानी डाले हैं, और फिर हमारा परफेक्ट एक लिक्विड तैयार होगा बूंदी बनाने के लिए। जब तक हमारा मैदे का परफेक्ट बैटर तैयार नहीं होगा, तब तक हमारी बूंदी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है, एक कटोरी मैदे में हमें डेढ़ कटोरी पानी मिलाना है, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डाल सकते, नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा और बूंदी हमारी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं बन पाएगी। तो चलिए हमारा मैदे का बैटर तैयार हो चुका है, इसको हम रखते हैं साइड। और अब ले लेंगे हम एक छनाटा, जिस छनाटे से हम बूंदी छानेंगे, और एक छोटी हमने कलछुल ले ली है बैटर डालने के लिए। और फिर हम ले लेंगे आधा लीटर दूध, एक बाउल में गर्म दूध हमने ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस को करते हैं ऑन, और उस पर रखते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, ताकि हम बूंदी को डीप फ्राई कर सकें। गैस हमें हाई फ्लेम पे रखना है, और तेल जब एकदम हाई फ्लेम पे गर्म हो जाएगा तब हम उस छनाटा को कढ़ाई के ऊपर रखेंगे, और फिर हम एक कलछू छनाटे के ऊपर मैदे का बैटर डाल देंगे, और हम छनाटे को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, वो अपने आप लिक्विड निकलता जाएगा और छोटी छोटी बूंदियां बनती जाएंगी। तेल हमें एकदम हाई लेवल पे गर्म करना है, ताकि बूंदी हमारी एक दूसरे में चिपके नहीं। और ये देखिए, जब बूंदी निकलना बंद हो जाएगा तो हम हटा देंगे छनाटे को, और फिर हम इस बूंदी को 2 से 3 मिनट गैस हाई फ्लेम करके डीप फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल कम डाला है, इसलिए हम थोड़े थोड़े बूंदी बना रहे हैं। चाहे तो आप ज्यादा तेल डालकर ज्यादा से ज्यादा बूंदी एक बार में बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी बूंदी हल्की हल्की गोल्डन होने लगी हैं, इसके मतलब कि हमारी बूंदियाँ एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इनको निकाल के हम रख लेते हैं एक प्लेट में, और बाकी बचे बैटर को भी हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बूंदी बना लेंगे। तो चलिए फटाफट हम फिर से बूंदी बना लेते हैं। ये देखिए, हमने छनाटा रख दिया है एक जगह, और फिर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रहे हैं, और आराम से हमारी बूंदी निकलती जा रही है। तो चलिए हमने बूंदी बना लिया है। तो चलिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इस बूंदी की प्लेट को रखते हैं हम साइड, और एक ले लेंगे दूसरी प्लेट। अब दूसरी प्लेट में हम ले लेंगे 4 से 5 गुड़, यानी कि हमने 100 ग्राम गुड़ ले लिया है, क्योंकि आज हम बूंदी खीर बनाएंगे गुड़ से। और अब हम ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे हमने ले लिया है थोड़ा सा पिस्ता, किशमिश, और थोड़े से हमने ले लिए बादाम। और अब हम ले लेंगे एक छोटी कटोरी, और छोटी कटोरी में हम थोड़ा सा गर्म दूध डालकर थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे दूध में, और फिर अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए दूध को साइड, ताकि दूध में हमारा केसर का कलर आ जाए। और अब हम ले लेंगे एक कद्दूकस, और कद्दूकस से हम गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। चाहे तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ भी सकते हैं। तो हमने ले लिया ये देखिए अदरक कूटने वाला, और फिर हम गुड़ को इसी से तोड़ लेंगे। चाहे तो आप तोड़ लीजिए या फिर आप कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने में ये गुड़ थोड़ा हार्ड है, हमको दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम गुड़ को ऐसे ही तोड़ लेंगे।
तो ये देखिए हमने गुड़ को अच्छे से तोड़ के एकदम बारीक कर लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी महीन महीन एकदम कटिंग कर लेंगे। तो हम ये देखिए बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर हम पिस्ते को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और इसी के साथ हमारी तैयारी कंप्लीट होती है बूंदी खीर बनाने की। इस बूंदी खीर को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है क्योंकि हमें बस बूंदी तैयार रहनी चाहिए। जो समय लगता है बस बूंदी बनाने में ही समय लगता है। आप चाहे तो इस बूंदी को ऐसे ही बना के एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और ये महीनों खराब होने वाला नहीं है। और जब कभी आपको ऐसे अचानक से बूंदी खीर बनाना हो तो फटाफट ये वाली बूंदी निकाल के फटाफट ये खीर बना लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेंगे ऑन और उस पे रख लेंगे एक पैन और पैन में हम डालेंगे आधा लीटर दूध। तो ये देखिए हमने दूध डाल दिया है पैन में और दूध में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि हमारा दूध गिरे ना। और फिर हम दूध में मिक्स कर लेंगे केसर वाला दूध ताकि हमारे खीर में अच्छा सा एक कलर और टेस्ट आ जाए। और जैसे ही दूध में हमारा उबाल आना शुरू हो जाएगा गैस को एकदम से हम लो फ्लेम पे कर देंगे और फिर हम प्लेट की बूंदी धीरे धीरे करके दूध में डाल देंगे। गैस एकदम लो फ्लेम करके डालिएगा नहीं तो बूंदी डालते ही हमारा दूध बहुत तेजी से ऊपर आएगा और सारा का सारा दूध गिर जाएगा पैन से। और फिर बूंदी डालने के बाद 2 मिनट हम इनको पका लेंगे गर्म दूध में और 2 मिनट बाद हम गैस को कर देंगे बंद। और फिर हम इस बूंदी खीर में फ्लेवर के लिए डाल देंगे छोटी इलायची कूटकर। और ये देखिए हमने छिलके निकाल कर रख लिए हैं और हमने इलायची की बीजें कूटकर डाल दी हैं इस खीर में। एक बात मैं आपको फिर से जरूर बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने बताया गैस हमने बंद कर दिया है, बूंदी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है और दूध हमारा अच्छे से पहले से ही पका हुआ था। तो हम दूध में बूंदी डालने के 2 मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिया है और अब हम मिला लेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट के रखे थे, बादाम, किशमिश और हमने पिस्ते भी डाल दिए हैं। थोड़े से हमने पिस्ता और बादाम रखा है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए अपनी खीर को। और गैस बंद करने के 5 मिनट बाद हम अब गुड़ डाल देंगे अपनी खीर में, क्योंकि हम गुड़ गर्म दूध या गर्म खीर में डालेंगे तो हमारा दूध फट जाएगा। इसलिए गैस बंद करने के 5 से 7 मिनट बाद ही गुड़ को मिक्स करिएगा इस खीर में। और ये लीजिए देखिए हमारी एकदम परफेक्ट बूंदी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। गुड़ डालकर खीर को कंटिन्यू 2 मिनट चलाते रहें ताकि गुड़ अच्छे से हमारे खीर में घुल जाए। और ये देखिए 2 मिनट कंटिन्यू चलाने के बाद हमारी बूंदी खीर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो चलिए इस गर्मा गर्म बूंदी खीर को हम सर्व कर लेते हैं और साथ में टेस्ट भी। और ये देखिए हमारी इतनी टेस्टी और इतनी खुशबूदार बूंदी खीर रेडी हुई है हमारी। और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स इस खीर के ऊपर डाल देंगे जो कि हमने बचा के रखे थे। तो देखा आपने कितना सिंपल कितना आसान तरीके से हमने देसी डिजर्ट तैयार की और वो भी इतनी स्वादिष्ट और पौष्टिक। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट ये वाली देसी डिजर्ट आप भी बना के एक बार जरूर टेस्ट करिए। और यकीन मानिए आप एक बार इस डिजर्ट को खाएंगे तो आप वाह वाह करते नहीं भूलेंगे क्योंकि इतनी ये टेस्टी डिजर्ट है। आशा करती हूँ मेरा रेसिपी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसी न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।